नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करती हूँ। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो है एक्मो। तो आज हम हैं डॉक्टर संदीप दीवान के साथ जिनको एक्मो का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर संदीप दीवान। हेलो मैम। तो सर, आज मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक्मो क्या है सर और इसके क्या उपयोग है? एक्मो, जिसकी फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ये एक मशीन है जो उन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जिनका लंग फेलियर होते हैं या हार्ट फेलियर होते हैं। क्योंकि जब लंग्स या हार्ट इतना डैमेज हो जाते हैं कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं लाइक वेंटिलेटर या दूसरी मशीनें या दवाइयाँ, जब वो सब कारगर सिद्ध नहीं होती और हमारे पेशेंट्स क्रिटिकल होते रहते हैं, तो हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन हार्ट फेलियर और लंग फेलियर में जो मरीजों की डिटरेशन है उसको सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह की ऑक्सीजनेशन सपोर्ट डिवाइस है। जी सर। तो सर, हम किस तरह के पेशेंट एक्मो में ले सकते हैं सर? देखिए कविता जी, एक्मो जैसा मैंने बताया, ये लंग्स को सपोर्ट करती है और हार्ट को सपोर्ट करती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिचुएशंस में जब हम ये मशीन यूज़ करते हैं वो है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि अभी H1N1 के पेशेंट्स हैं, कोविड के पेशेंट्स हैं, इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स हैं जिनके लंग्स डैमेज हो गए हैं और वेंटिलेटर पे भी उनके ऑक्सीजन ठीक से नहीं बन पा रहा। एक तो इस कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। दूसरे पेशेंट्स होते हैं हार्ट के पेशेंट, जैसे हार्ट अटैक आया, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंजियोप्लास्टी करना। एंजियोप्लास्टी के बाद अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और हार्ट में इतना बल नहीं रहता कि पूरी बॉडी को ब्लड फेंक सके, उस स्टेज में भी इस एक्मो मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पेशेंट है, पॉइजनिंग। बहुत से टॉक्सिक दवाइयाँ या पॉइजन्स हैं जो कि हार्ट को डैमेज करती हैं, जैसे कि सल्फाज है, तो इस टाइप के पेशेंट्स में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे कि हमारा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम एक्मो को मतलब हम कैसे उसको सपोर्ट करेंगे सर? सो देखिए, इसके फ़ायदे क्या हैं कि हमारी बॉडी में सब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर ऑर्गन तक पहुंचता है, लेकिन अगर लंग्स ख़राब हैं या हार्ट वीक है तो बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, इसलिए सारे ऑर्गन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं। जब हम एक्मो मशीन लगा देते हैं तो एक्मो क्योंकि एक अलग टाइप का ऑक्सीजनेटर है, तो आप इसको ये भी मान सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि ये एक टेम्परेरी आर्टिफिशियल लंग का काम करता है या टेम्परेरी आर्टिफिशियल हार्ट का काम करती है। तो इस मशीन के लगाने से सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिलती है। तो जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा रहे होते हैं, अगर हम इसको पहले इस्तेमाल कर दें तो सारे ऑर्गन्स के डैमेज को रोका जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल इससे बढ़ जाता है। जी सर, एक क्वेश्चन मैं और पूछना, कितने परसेंट चांसेस है सर एक्मो सर्वाइवल के कि पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिस टाइप के पेशेंट कैटेगरी में हम एक्मो लगाते हैं उसमें क्या होता है कि या तो लंग फेलियर है या हार्ट फेलियर है। लंग फेलियर के पेशेंट्स, जिसको वीनस एक्मो बोलते हैं, उसमें अगर हम सही वक्त पे एक्मो लगाएं, और सही वक्त का मतलब होता है वेंटिलेटर के डलने के 4 दिन के अंदर अंदर, अगर हम एक्मो मशीन लगा दें उन पेशेंट्स को, तो 60-65% पेशेंट्स की जान हम बचा सकते हैं। अगर हम हार्ट के मरीजों की बात करें जिनमें हम एक्मो डालते हैं, उसमें हम 50% लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मशीन ना लगाएं तो इन पेशेंट्स का सर्वाइवल 20-30% से ज़्यादा नहीं होता। तो एक्मो ये प्रूवन है कि हार्ट फेलियर और लंग फेलियर के पेशेंट्स में सर्वाइवल को ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कराता है। तो सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे छोटे शहरों में अभी हमारी हेल्थ केयर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है, तो कई बार होता है कि कोई किसान सल्फोस पॉइजनिंग कर लेता है और कई बार स्नेक बाइट हो जाता है, तो सर हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं एक्मो के लिए? देखिए, छोटी सिटी में, जैसे आपने बोला कविता जी, कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अभी इतनी एडवांस्ड नहीं है,
तो जब भी कोई पेशेंट है पॉइजनिंग का या सल्फाज जैसे आपने बोला और लंग फेलियर का या हार्ट फेलियर का, सबसे पहले तो वो हमारे हॉटलाइन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है वो 24/7 रन करता है। जैसे हमें कोई पेशेंट का स्टेटस आता है तो हम बताते हैं क्या इस पेशेंट को एक्मो से फ़ायदा होगा या एक्मो से फ़ायदा नहीं होगा। हमारी एक एक्मो शीट है, तो रात में भी अगर कोई कॉल आता है तो हम उस शीट को भरते हैं पेशेंट का डिटेल्स लेके, एंड पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इन पेशेंट को एक्मो से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और जैसे ही होगा हम फिर उसके बाद उनको एडवाइस करते हैं कि ये पेशेंट एक्मो के लिए राइट पेशेंट है और इसकी मदद की जा सकती है। सर तो हमें ये कितना टाइम में ये एक्मो हम वहाँ से अपने हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? देखिए जैसा कि मैंने बताया, लंग फेलियर के पेशेंट्स में हमारे पास टाइम होता है जी। जैसे ही मरीज़ वेंटिलेटर पे जाता है और डॉक्टर आपका बोलता है कि लंग्स डैमेज हो चुके हैं, उस वक्त एक्मो के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और अगर पहले 4 दिन अगर पेशेंट का ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो उनको इमीडिएटली एक्मो की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको एक्मो के लिए रेफ़र करना चाहिए। हार्ट के मरीज़ों में टाइम कम होता है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा होता है। तो जैसे ही हार्ट का कोई पेशेंट है अगर ब्लड प्रेशर गिरे जा रहा है और दवाइयों के बाद भी ब्लड प्रेशर इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो फिर एक्मो के लिए हमें कॉल आना चाहिए। पॉइजनिंग में भी वही सिचुएशन है, अगर ब्लड प्रेशर गिरे जा रहा है और पेशेंट का सब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो दे कैन बी रेफर्ड फॉर एक्मो। अब इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, क्या वो पेशेंट इतना स्टेबल है कि वो फोर्टिस तक आ पाए? तो एक चीज़ होती है जिसको हम एक्मो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं या एक्मो रिट्रीवल बोलते हैं। हम फिर उन पेशेंट्स को क्या करते हैं, उन्हीं छोटी जगहों पर जाके हम एक्मो डालते हैं और एक्मो के ऊपर ही उन पेशेंट को हम फोर्टिस गुड़गांव में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम बिना एक्मो के शिफ्ट करेंगे तो मॉर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं क्योंकि वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, बिना एक्मो के वो शिफ्ट भी नहीं हो पाते। सर अब एक छोटा सा और सवाल, सर हम किस तरह, मतलब हमारी कोई टीम जाती है आपकी तरफ से या फिर किस तरीके से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेशेंट यहाँ से फोर्टिस? जैसे ही हमें कॉल आती है हमारी एक एक्मो टीम है जिसमें क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट्स होते हैं, परफ्यूजनिस्ट होते हैं, नर्सेज होते हैं, वो इमीडिएटली जो है वो निकल जाते हैं। हमने बाय रोड और बाय एयर दोनों तरह की एक्मो ट्रांसपोर्ट्स किए हैं और सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्मो ट्रांसपोर्ट्स हमने किए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी किए हैं। सो बाय एयर और बाय रोड एम्बुलेंस दोनों तरह की एक्मो ट्रांसपोर्ट्स के लिए हमारी एक अलग एक्मो टीम है क्योंकि इसमें टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी वो टीम निकल जाए और पेशेंट को एक्मो पे डाल के फोर्टिस ले आए। तो क्या सर हम वो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं एक्मो में, मशीन यूज़ होती है, वो हम अपने साथ लेके जाते हैं? हाँ, ये एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। एक्मो की जो ट्रांसपोर्ट मशीन है वो बहुत छोटी होती है ताकि हम पेशेंट्स को इमीडिएटली उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें क्योंकि एम्बुलेंसेज में इतना जगह नहीं होती। तो जो नॉर्मल एक्मो मशीन होती है थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट मशीन होती है वो छोटी होती है, उसके ऊपर हम इन पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, जो हमारा ये एक्मो है ये इंश्योरेंस में कवर होता है क्या? जी हाँ, एक्मो अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसको ऑनर करती हैं। हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका एक्मो ट्रीटमेंट होकर वो ठीक होकर गए हैं और उनके पास जो भी इंश्योरेंस था वो उन कंपनीज ने ऑनर किया है। इवन गवर्नमेंट के भी कुछ जो इंश्योरेंसेज है उसके अंदर भी एक्मो जो है वो एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ये कवर करते हैं। सर अब आप थोड़ा सा एक्मो के बारे में और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें हम 23 लोग हैं और इस डिपार्टमेंट में हमारे पास क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट्स हैं और हमारे सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो ट्रेंड एक्मो स्पेशलिस्ट हैं। ट्रेंड एक्मो स्पेशलिस्ट का मतलब होता है दे आर ऑल सर्टिफाइड, दे हैव डन द रिक्विजिट ट्रेनिंग, जिससे कि वो एक्मो स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्मो स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड नर्सेज हैं, परफ्यूजनिस्ट हैं, और जैसे मैंने बोला जो हमारे लिए जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास एक एक्मो रिट्रीवल और ट्रांसपोर्ट टीम है जो कि रेडी रहती है
अगर कहीं भी किसी को भी एक्मो की ज़रूरत पड़ती है तो वी आर ट्राइंग टू रीच देयर एज सून एज पॉसिबल, जो मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त भी रहेगी और रिक्वेस्ट भी रहेगी अगर डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम चाहेंगे कि कोई भी लंग फेलियर के पेशेंट्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में मैनेज नहीं हो पा रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन, तो आपको राइट टाइम पे पेशेंट की फैमिली को अगर एक्मो ट्रीटमेंट के बारे में एडवाइस करें तो उनकी डेथ रेट को काफ़ी कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। तो आई होप आप सभी को एक्मो के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और काफ़ी जानकारी मिली होगी। आपको एक्मो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा।